कितना बुरा खाना दिया उनके ससुराल वालों ने। इनाम की तो पता नहीं किन नीच लोगों में शादी कर दी इन लोगों ने। नीच हो, फकीर हो, जैसे भी हो, लड़की तो ठीक है ना, पर एक आप लोग हैं, अपने इकलौते बेटे का रिश्ता उस डिफेक्टेड लड़की से तय कर दिया आप लोगों ने। वो तो मेरे साथ तेज चल नहीं सकती, उल्टा मुझे लंगड़ाकर चलना पड़ेगा उसके साथ। अरे बकवास की तुमने, डिफेक्टिव वो नहीं तुम हो। जानते हो मर्द के लिए सबसे बड़ा ऐप क्या होता है? उसकी हठधराबी। और ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। बस भी कर दे, आप तो बहाना ढूंढते मेरे बेटे के पीछे पड़ने का। चुप हो जाओ, जितना तुमने बिगाड़ना था इसे बिगाड़ चुकी, अब इसे सुधरना होगा। इसलिए इसकी जिंदगी में दिलकश जैसी समझदार लड़की का होना जरूरी है। वाह, मैं दिलकश से शादी नहीं कर सकता। वाह, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, शादी तो तुम वही करोगे, समझे? वाह, भाग जाऊंगा मैं। देख रही हो अपनी बेटे की तड़ियां? ये ऐसी बातें कर रहा है जैसे बदकिरदार लड़कियां अपने माँ बाप को डराने के लिए करती हैं। चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ वैसा ही करते हैं जैसे उनके साथ किया जाता है। चलो, ये क्या कर रहे हैं? अंदर चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब्बा बस यही बैठो। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो अब्बा। क्या कर रहे हैं? अब्बा खोले। अब बेटा सड़ो इस कमरे में, कल बारात के वक्त ही निकलोगे, समझे? अब्बा खोले। और तुम, अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब्बा बाहर निकाले मुझे। अब्बा अब्बा अम्मा, आप तो बाहर निकाले, क्या कर रही है यार? ये क्या तरीका है यार बंद करने का? निकाले बाहर। अरे अम्मी खोले, अम्मी खोले यार, ये कोई मजाक थोड़ी है। खोलो यार, खोलो अम्मी, खोलो यार अम्मी।